अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचेंगे, जिसमें अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ट्रंप की यात्रा को यादगार बनाने के लिए अहमदाबाद में जबरदस्त तैयारियां चल रही है। पूरा शहर मोदी ट्रंप की दमदार दोस्ती के पोस्टरों से सज गया है। साबरमती आश्रम में भी ट्रंप के लिए खास तैयारी की गई है। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की तस्वीर ही इन दिनों बदली बदली सी नजर आ रही है। चौक चौराहों पर भारत और अमेरिका की दोस्ती के पोस्टर, बैनर और रंग रोगन के जरिए दिखाया जा रहा है। जगह जगह मोदी और ट्रंप की तस्वीरों की बहार है, जिसकी खूबसूरती को नारों और स्लोगन से और सजाया गया है। 24 फरवरी को शहर के जिन जिन रास्तों से मोदी और ट्रंप का रोड शो निकलेगा, वहां खास तैयारियां की गई है। अहमदाबाद में इस तैयारी को देखकर ट्रंप को भी एहसास होगा कि भारत दिल से अपने दोस्त का स्वागत कर रहा है। मोहब्बत की अमर निशानी ताजमहल का ट्रंप दीदार करेंगे, लेकिन इससे पहले आगरा में तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। जिन रास्तों से ट्रंप गुजरेंगे उन्हें चमकाया जा रहा है। 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप का विशेष विमान पहले अहमदाबाद में लैंड करेगा और उसी दिन शाम में अमेरिकी राष्ट्रपति अहमदाबाद से आगरा पहुंचेंगे। ताज नगरी में स्वागत की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। चप्पे चप्पे को सजाया जा रहा है और इंच इंच की निगरानी रखी जा रही है। इसका मुआयना कोई और नहीं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तैयारी का जायजा लिया। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक हुई। ट्रंप के आगरा दौरे को देखते हुए आगरा पुलिस और खुफिया एजेंसियां दोनों हाई अलर्ट पर हैं। आगरा पुलिस की अमेरिकी राष्ट्रपति की एडवांस टीम के साथ मीटिंग में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा हुई। भारत दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि 7 मिलियन लोग हवाई अड्डे से लेकर स्टेडियम तक लोग मेरा स्वागत करेंगे। इस पल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति 24 फरवरी को भारत आ रहे हैं। हालांकि साबरमती आश्रम का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1917 से 1930 तक गांधी जी का आवास रहा था। अब इसका प्रबंधन साबरमती आश्रम संरक्षण और स्मारक ट्रस्ट देखता है। आश्रम के न्यासी अमृत मोदी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, प्रथम अमेरिकी महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी आश्रम में करीब आधा घंटा बिताएंगे। ट्रंप और मेलानिया हृदय कुंज के पास रखा चरखा भी चला सकते हैं। हृदय कुंज आश्रम में स्थित एक कुटिया है जहां गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ रहते थे। अमृत मोदी ने कहा कि हम ट्रंप को चरखा, गांधी जी की आत्मकथा और एक पुस्तक माई लाइफ माई मैसेज भेंट करेंगे। यह पुस्तक गांधी जी के संपूर्ण जीवन को दर्शाने वाली है। उन्होंने कहा कि आश्रम ट्रंप को गांधी जी का पोर्ट्रेट भी उपहार में देंगे। हम उन्हें चरखे के साथ एक नोट देंगे जिसमें देश के स्वतंत्रता संघर्ष में इसके महत्व का वर्णन होगा। अमृत मोदी के अनुसार मेहमानों का स्वागत हाथ से बनी मालाओं से किया जाएगा। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो में भी शामिल होंगे, जो अहमदाबाद हवाई अड्डे से शुरू होगा और आश्रम से गुजरते हुए मेट्रो में क्रिकेट स्टेडियम में समाप्त होगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।